चोरी करने का लोग बचपना से सिखाता है बच्चे लोग को, बहुत सारे उदाहरण बचपना से सिखाता, बचपने छोटे बच्चे को सिखाता है चोरी करने, झूठ बोलने के लिए सिखाता है। घर में बच्चे को बोलता है पिताजी बोल या माँ बोलता है, बोलो कोई आएगा तो पिताजी नहीं है, बोलो माताजी घर में नहीं है, तो छोटा बच्चा क्या करते हैं? आप लोग ऐसा करता है कि नहीं करता, किया है कि नहीं? हाँ किया है तो उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक्सेप्ट करने से विनम्रता होती है। हाँ हमसे गलती हो गया, हम बच्चे को मिसयूज मत करो, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है अपने बच्चे को मिसयूज नहीं करना बचपना से, वो चाइल्ड अब्यूज होगा। अगर वो बच्चा बड़ा हो जाएंगे एक दिन, बच्चा तो हमेशा रहेंगे नहीं, तो रोज बढ़ते जाएगा, वो एक दिन बड़ा हो जाएगा तो उसके मन में क्या रहेगा? वही आप लोग सीखा है बचपना से, वही संस्कार, वो सब बच्चे के मन में रहेगा, उसी के साथ आगे बढ़ता आगे बढ़ता। माँ बाप इस देश में अभी बच्चे लोग के साथ बहुत बहुत अत्याचार किया, बहुत बच्चे को मिसयूज किया। बच्चे को सम्मान करो, अगर बच्चे से आप इज्जत चाहते हैं बड़ा होके माँ बाप, तो बच्चे को बचपना में इज्जत करना सीखो। अगर बच्चे को आप प्यार देंगे बचपना में, जो बड़ा होंगे आपको वो प्यार मिलेगा। इसलिए इस चीज को आप ध्यान में रखना, आप ध्यान में रख के जो इस मनुष्य जीवन है, कितने दिन का जीवन, कोई गारंटी है इस जीवन का कितना कितना दिन है, कितना उम्र है? कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। और जीवन में कोई भी चीज, सब कुछ अनिश्चित है, लेकिन एक चीज निश्चित है, क्या है? सब कुछ अनित्य है जीवन में, सभ्य संखार अनिच्छाति, सब कुछ अनित्य है, लेकिन एक चीज निश्चित है, क्या है? क्या है? मृत्यु। एक चीज हमेशा निश्चित रहा है, क्या है? मृत्यु है, हमेशा निश्चित रहा है। इसलिए आंख खोलो, आंख खोलो, आंख खोल के देख लेना चारों तरफ। रोज बुढ़ापा, मौत, बीमारी, जो बुद्ध की संदेश तो है चारों तरफ, बुद्ध की संदेश तो है चारों तरफ। बुद्ध ने क्या उपदेश दिया? बीमारी, बुढ़ापा, मौत और प्रिय जन से दूर होना, अप्रिय जन के पास जाना, ये तो दुख है, इसी को दुख कहते हैं। तो इस दुख से हम कैसे निकालें, कैसे बाहर जाएं? आपको मन में आप शांति कैसे लाएं? आप शांति खोज के चारों तरफ गांव गांव में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, किसी किसी के पास में जाते हैं, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कि जो चीज अंदर है आप बाहर ढूंढते हैं, मिलेगा नहीं। आप 2 मिनट बैठ नहीं सकते, 5 मिनट ध्यान नहीं कर सकते, 10 मिनट आप ध्यान में नहीं बैठ सकते, चैन में नहीं बैठ सकते, आप फिर अशांति बोलते हैं, कहाँ मिलेगा शांति? आप कहाँ ढूंढेंगे शांति?
शांति तो आपके पास है, कोई देंगे नहीं, ये भूल में मत पड़ना। कोई आपको शांति देंगे ना? आज तक आपको कोई शांति दिया है या अशांति दिया? जो भी दिया हमको लगता है अशांति दिया। कोई शांति दिया है? कोई आपको शांति दिया? कोई शांति, अगर शांति दिया है तो वो शांति नहीं है। आपको अगर दिया होगा कुछ, आपको सहन करने के लिए कुछ कंफर्टेबल लाइफ, कुछ ऐसे कंफर्ट करने के लिए आपको दो तीन बात बताएं, आपके साथ दिए, लेकिन शांति उससे बहुत डीप है, गहरी चीज है। शांति उससे बहुत डीप है। शांति अनुभव से होता, अपने अनुभव से। शांति अपने अनुभव की चीज है। आप अपने परिवार में, आप अगर शांति जिए, आपके परिवार सबको शांति मिलेगा, परिवार सबको। लेकिन शांति है कहां? शांति तभी होगा आप जैसे कुछ 10-15 मिनट बैठ जाओ। आप देखो आपके बेचैनी मन कहां कहां घूम रहा है। जो विपस्सना की है, जो ध्यान की, उनको तो ये लगेगा, वो जानता है ये मन कहां कहां भटक रहा है, कैसे कैसे भटक रहा है। अब नहीं लगेगा, जिस वक्त आप बैठ जाओ ना तो आपको लगे कहां कहां भटक रहा है मन, कितने तेजी से भटक रहा है। लेकिन आप बेचैन मत हो जाओ, आप ऐसे ही बैठ जाओ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, तो मन ऐसे ऐसे दौड़ के थक जाएगा, फिर अपने आप वापस आएगा। फिर उस वक्त आपको लगेगा कुछ फर्क, हाँ अब थोड़ा ठीक है, अब थोड़ा मन में कुछ हो रहा है। लेकिन बैठ तो जाओ। और कुछ भी नहीं जीवन में, आपाधापी है, थकावन है, बचपना से बुजुर्ग तक, बुढ़ापा तक, और कुछ नहीं है। और दर्द बढ़ते जाएगा, कोई जवानी नहीं होता है, ये मूर्छा में नहीं पड़ना, कोई जवानी हुआ आज तक? कोई जवानी नहीं हो रहा है, सब बुजुर्ग हो रहा है। बचपना से क्या हो रहा है? सब बुजुर्ग हो रहा है। सब जो जन्मदिन मनाते हैं ना, जन्मदिन थोड़ा ख्याल से मनाना, बहुत ध्यानपूर्वक, क्योंकि एक दिन ऐसा लगेगा वहां जन्मदिन मनाना बंद होगा, फिर मौत का दिन शुरू होगा। आप जन्मदिन किसको कहते हैं? जो एक दिन आप मौत के करीब आ गया, उसके लिए आप केक काट रहे हैं, नाच रहे हैं। अब मौत के करीब आ गया और बुजुर्ग हो गए होने वाले, कितना पागलपन है आप, क्या पागलपन है। जीवन, पूरा जीवन आप उत्सव मना सकते हैं, लेकिन ज्ञान से, अज्ञानी से नहीं। जीवन देखें ठीक से, जीवन का सच क्या है, तब पूरा जीवन उत्सव होगा, नहीं तो पूरा जीवन दुख हो, पूरा जीवन दुख हो। इसलिए आप जो बुद्ध की संदेश क्या है, मन पर आधारित, मन पर, इसलिए मनोभूपभंगमाद, आपके मन की जो दशा है, मनोदशा है, आदमी का मनोदशा है, एक बुरा है एक अच्छा है, दो पीढ़ी। आप कई कहानियां आप सुने होगी ना, एक है अंगुलीमाल का कहानियां, आप जानते हैं सब, ये मनोदशा है।
आप देखो परिवर्तनशील, इसलिए मन परिवर्तनशील है, मनोदशा है।